हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ का मौसम, यानी कि जहाँ से मैं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, और यहाँ का मौसम बहुत बहुत सुहाना हो रहा है। सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है। जनरली देखा जाए तो ड्राई एरिया माना जाता है, लेकिन आज कुछ दिनों से, एक दो दिन से यहाँ पे बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, और आज रुक रुक के बारिश हो रही है। तो इस रुक रुक के बारिश होने के चक्कर में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अभी करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं। इसके अलावा मैं जानने की कोशिश करूंगी एनर्जीज क्या हैं रिलेशनशिप की, और उनके इंटेंशंस और एक्शन और मैसेजेस सब कुछ देखेंगे हम। तो मेरे साथ बने रहिए, चलिए हम रीडिंग में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे मैच नहीं करेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रीडिंग होती है, अगर आप मन से देखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपसे कितना रेजोनेट होता है। चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर की रिलेशनशिप को लेके एनर्जीज क्या हैं। ओके, एनर्जीज क्या हैं उनकी रिलेशनशिप को लेके, कैसा सोचते हैं वो। ओके, आप ये रीडिंग मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं। ओके, मेल फीमेल सभी के लिए है। यूनिवर्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप को लेके, क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। यूनिवर्स हमें बताएं क्या सोचते हैं उस रिलेशनशिप के बारे में। मैंने शफलिंग कर ली है गाइस, वन मोर टाइम। चलिए, जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्टदेव को याद कर सकते हैं, और उस पार्टनर का नाम ले सकते हैं, या नाम गुनगुना सकते हैं, या शक्ल याद कर सकते हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं। ओके, वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, द वर्ल्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ऑल टाइड अप। ओके गाइस, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो नंबर होते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एनर्जी ओरेकल कार्ड हैं, और ये बहुत नंबर जो होते हैं इनमें जो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे नंबर 3 है, नंबर 29, नंबर 50 एंड 23। ओके, तो ये सारे नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं, और इनका कुछ ना कुछ महत्व जरूर होता है आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, तो गाइज यहाँ पे उनकी एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेके क्या है। तो गाइज सबसे पहले आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए मैं देखूँ तो उनकी नज़रों में ये रिलेशनशिप कैसा है वो मैं बताना चाह रही हूँ। एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप की वो मैं बताना चाह रही हूँ। तो गाइज वो आपके रिलेशनशिप में एक अबंडेंस देखते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का क्या मतलब होता है गाइज, यहाँ पे ये मतलब होता है कि जो खुशी आपसे मिलती है वो और कहीं नहीं पाते। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे बढ़े, लेकिन वो जो महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, वो और कहीं महसूस नहीं करते। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी इस रिलेशनशिप से मिलती है। उनको लगता है कि आप होते हैं उनके साथ, तो शायद लाइफ में और भी कुछ भी पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं लगता उनको। उनको लगता है कि सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी अगर आप उनके, जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि अगर अगर वो कहीं स्टक हैं और आप उनकी लाइफ में आते हैं, आपकी उनसे बात होती है, कहीं भी कोई चिंता में है और आप उनसे बात करते हैं, तो उनको एक पॉजिटिविटी महसूस होती है, और उसके कारण वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप जब उनके साथ होते हैं, जो फील करते हैं वो, जो खुशी फील करते हैं वो और कहीं नहीं मिलती। उनका ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस ये भी है कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आगे एक इम्पॉर्टेंट रोल आपका है उनकी लाइफ में, जो कि आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा। एक तरह से आप एक वो पर्सन है जो कि उनको ना सिर्फ एक लव फील कराते हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मुझे यहाँ पे इस कार्ड का ही मतलब लग रहा है। नंबर 29 का कार्ड द वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या होता है इस दुनिया, आपको वो अपनी दुनिया मानते हैं। डेफिनेटली वो एक साइकिल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं जिसका एंड बहुत हैप्पी हो, यानी कि हैप्पी एंडिंग आपके साथ चाहते हैं, यानी कि अपने आपके साथ वो अपना बुढ़ापा तक इमेजिन करते हैं कि मेरे आपके साथ बाल बच्चे हों, वो बड़े हों, वो कैसे हों, आप कैसे रिएक्ट करेंगी, वो कैसे चलेंगी, उनकी लाइफ कैसे चलेगी, ये सारा कुछ, यानी कि आप उनकी दुनिया के समान हो। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक साइकिल शुरू किया जाए, लेकिन इस कार्ड का ये भी मतलब होता है कि वो किसी को पीछे छोड़ के आपके पास आना चाहेंगे। इस कार्ड का मतलब होता है कि एक साइकिल का एंड होना चाहिए और दूसरा स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि
उनको स्टक करता है, जो कि उनको प्रॉब्लम देता है आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। ज़रूर कुछ ना कुछ उनको ऐसा लगता है कि मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता, तो इस बात के लिए वो ऐसा सोचते हैं कि इस साइकिल का एंड, यानी कि जो चाहकर भी करने की चीज़ है वो नहीं कर पाते, तो इस साइकिल का एंड होना चाहिए और जो मन से जो चाहते हैं वो होना चाहिए, तो उस साइकिल का शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं और उस साइकिल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे फिर भी दिख रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बताता है गाइज? यहाँ पे नंबर 50 का कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये बताता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एंजल से अपने आप की मदद करना चाहते हैं, यानी कि उनमें एक स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि आपके अगर पार्टनर को हूँ तो थोड़े से डर उनके मन में है आपको लेके, जो डर बना हुआ है आपके पास आने के लिए, जो डर है उसके लिए वो दुआएं कर रहे हैं, एंजल से मदद मांग रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसी ताकत दे दो जो मैं इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ा पाऊँ। उनको दिल से लगता है कि मुझे में वो स्ट्रेंथ नहीं है, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो अभी तक जो फीलिंग्स अपनी आपको नहीं बता पाए और कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ जुटाना चाहते हैं कि आपके सामने आके वो सही सही बात कहे, आपसे कहे, यानी ये क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। मुझे यहाँ पे इस कार्ड का मतलब ये भी लग रहा है। डेफिनेटली एंजल्स उनकी मदद करें, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन, या भगवान से दुआएं कर रहे हैं कि उनको कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा मैजिक हो जाए जिससे वो अपनी अपने आप में वो स्ट्रेंथ पा पाएँ, जहाँ पे वो आपको सब बातें बता सकें और आपके पास आने के लिए कोई डर उनके मन में ना रहे। ये उनकी एनर्जी ऑल टाइड अप, उनको लगता है। नंबर 23 का कार्ड है, ये थर्ड पार्टी का कार्ड भी होता है गाइस। डेफिनेटली कोई पर्सन है जो उनको, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसी एनर्जी है थर्ड पार्टी जो कि जिससे उनको ना चाहते हो भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है, और इसीलिए इनको ऑल टाइड अप महसूस होता है, यानी कि मैं चाहकर भी जो काम, जैसे कि मैंने स्ट्रेंथ के लिए बताया है, चाहकर भी जो काम नहीं कर पाए वो वाली ऐसी चीज़ लगती है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी उन पर बहुत है। हो सकता है कि बहुत सारे काम हैं, हो सकता है कि आपके अलावा भी दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, उनकी दुनिया में बहुत चीज़ें हैं जो उनको करनी है, अपनी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जिससे उनको आपके पास आने के लिए रोकती है, यानी कि टाइड महसूस करते हैं वो, यानी कि करने की तो बहुत इच्छा है, आपके साथ आगे चलने की इच्छा है, आपके साथ ब्लॉसमिंग अबंडेंस देखते हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ ऐसे डर हैं, कुछ ना कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उनको पहले उनके बारे में सोचना पड़ रहा है। आपके कनेक्शन के बारे अलावा भी उनके पास बहुत कुछ सोचने के लिए है जिसके बारे में वो स्टक महसूस करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, ये तो एनर्जीज हो गई, ओवरऑल देखें तो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा उनके माइंड में आपको दुनिया मानते हैं, आपसे वो हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे स्टक एनर्जी जो उनको आगे नहीं बढ़ने देती। आप देख लेते हैं हम उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके गाइस, चलिए हम देखते हैं करंट फीलिंग्स में क्या आता है, करंटली वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ऐसा सुहाना मौसम, मैं राजस्थान से हूँ गाइस, जैसे कि मैंने बताया, और इस सुहाने मौसम में कोई अपने पार्टनर के लिए क्या सोचता है ये हम चेक करने वाले हैं। यूनिवर्स हमें बताएं कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं इनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। आपके यहाँ मौसम कैसा है जरूर बताइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी रेजोनेट होता है, पसंद आता है, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली वो क्या सोच रहे हैं। टेन ऑफ सॉर्ट्स, वाओ वाओ तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये बहुत सैड कार्ड होता है, लेकिन वाओ मैंने इसलिए बोला गाइस, यहाँ पे कंप्लीशन भी होता है, इसका मतलब एक चीज कंप्लीट हो चुकी है। ओके, और देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स, वन मोर कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो करंटली क्या सोच रहे हैं गाइस यहाँ पे, करंटली मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, और एरीज लियो सेजिटेरियस भी आ चुका है। ओके, और यहाँ पे अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो गाइज आपके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली
बहुत ज़्यादा दुखने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये जो आपके पार्टनर है कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं जिनसे इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। वो अपनी मतलब जैसा कि मैंने कहा ऑल टाइड अप का कार्ड आया था गाइज, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनका जिनसे उनको उनको डील करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी डील करना, तो यानी कि मतलब हार्ट ब्रेक हो रहा है इनके, बहुत ज़्यादा दुख में मुझे यहाँ लग रहे हैं। जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा उनको अंदर से टूट चुके हैं, अकेलापन उनको घेर रहा है, और कहीं ना कहीं उनको महसूस होता है कि ये पेन कब खत्म होगा। ये मैक्सिमम पॉइंट होता है गाइज मेरे तरफ से, यानी कि मैं जहाँ तक जानती हूँ 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक बहुत सैड कार्ड है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ का मैक्सिमम पॉइंट आ चुका, अब उसको ख़त्म करना ज़रूरी हो गया। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दुखों का अंत होना ज़रूरी है। वो चाहे तो ये करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके साथ इनका जो भी कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, कोई झगड़ा हुआ है, या आपसे सेपरेशन में, या लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी कोई चीज़ें हैं उनका अंत होना चाहिए, क्योंकि ये दुखी हो चुके हैं, ये आपसे दूर नहीं रह सकते। यहाँ पे डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि इनको आपसे दूर रहने की, जैसे कि मैंने कहा, ये आपके आप में अपनी दुनिया देखते हैं, और अगर आप इनसे दूर होते हैं तो इनका सारी चीज़ें नेगेटिव होती चली जाती है, ना तो ये ग्रो कर पाते हैं, ना उठ पाते हैं, ना सक्सेस पा पाते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ दुख इनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जो कि ये किसी को बता नहीं सकते। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अगेन वही चीज़ है, दुख जब किसी को चाह कर भी कुछ नहीं बता पाते, तो जो दुख फील करते हैं वो दुख मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। यहाँ पे ये दुखी कार्ड होता है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आने का मतलब ही है कि गाइज ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली ये आपकी पुरानी यादों को रिमेम्बर कर रहे हैं, ये पुरानी जो आपके साथ जब भी इन्होंने डेट किए और मिले हों, आपसे बातचीत हुई है फ़ोन पे, कुछ भी हुआ हो, उन बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन बातों को, वो खुशी आप देखेंगे कि अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए, लेकिन जब ये आपको याद करते हैं तो एक हल्की सी मुस्कान ज़रूर एक बार इनके मुंह पे आ जाती है। वो आप बातें याद करके, वो चीज़ें याद करके जो आपके साथ गुजारे थे, वो दिन याद करके इनको हल्की सी मुस्कान इनके चेहरे पे ज़रूर आती होगी, लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए हैं गाइस। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी आगे बढ़े, आपके साथ रहना चाहते हैं गाइस। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि किसी से सलाह मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में क्या किया जाए, किससे सलाह लूँ, ये चाहते हैं कि आपके लिए कोई सही राय दे, इनको क्या करना चाहिए इनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है किसी बात से, बहुत दुखी है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी अगेन दिख रही है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण ये चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ पा रहे, लेकिन इनकी जो अंदर की फीलिंग ये कह रही है कि ये आपके साथ आए, ये अंदर से किसी किसी ऐसे पर्सन से जिससे जिन पे ये ट्रस्ट कर सकते हैं, उनसे ये राय लेने की सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो दिलो दिमाग में ये बात फिट है कि अब मुझे इस रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ किसी से राय लेना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने आप को बोझ तले दबाव समझ रहे हैं गाइज। यहाँ पे 10 10 दो बार हैं, यानी कुछ ना कुछ कंप्लीशन इनकी ज़िंदगी में होने वाला है, इनकी कुछ ना कुछ खत्म होकर नया स्टार्ट होने वाला है। ये दोनों कार्ड इस बात को बताते हैं कि एक चीज़ का अंत होगा, यानी कि दुखों का अंत होगा, ये दोनों ही बहुत सैड कार्ड हैं, और एक नई शुरुआत इनकी ज़िंदगी में होने वाली है। डेफिनेटली ये किसी के बोझ तले दबे हुए हैं, यानी कि मुझे लगता है कि इनपे आपको ही नहीं, आपको ही लेके नहीं, यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि इन पे आपके अलावा भी बहुत सारे बोझ हैं, यानी कि आपको नहीं बताने का बोझ है, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं तो वो बोझ बना हुआ है, ऊपर से किसी और का दबाव भी है, और लोगों का दबाव है, प्रेशर फील कर रहे हैं, यानी कि आपको आपके कनेक्शन में करंटली क्या सोच रहे हैं, इनको एक दबाव बना हुआ है गाइज। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप में नहीं, कुछ नहीं करने के हिसाब से इनको दबाव बना हुआ है, वो बोझ बनती जा रही है चीज़ें कि आपको कुछ नहीं कह पा रहे, आपको आपको लग रहा है कि, यानी कि मेरे व्यूअर ये सोच रहे हैं कि ये इनको चीट कर रहे हैं, लेकिन ये चीट नहीं कर रहे, और यही बात समझाने के कारण ये कुछ नहीं कर पा रहे, और आपको ये बात, आपके ऊपर ये बात हावी होती जा रही है। कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर ये सोचते हैं कि आपको चीट कर रहा है कोई, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज, ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं कर पाता है इंसान, इंसान के हाथ बंधे होते हैं गाइज। यहाँ पे ऑल टाइड अप का, यानी कि हर तरह से ये बंधे हुए हैं, फील कर रहे हैं अपने आप को। डेफिनेटली इनका आपके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कंप्लीट करनी है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा दबाव इन पे फील होता है, कहीं ना कहीं ये बोझ तले किसी की, जैसे कहते हैं ना, कोई इनकी मदद कर रहा है तो वो एहसानों तले दबे हुए हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इनका जो फोकस है वो ये सबके साथ रह के भी अलोन है, और इनका फोकस कहीं ना कहीं अपनी करियर फाइनेंस पे है, क्योंकि ये दबाव बनता जा रहा है भाई। जैसे कि मैंने कहा आपके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे ये दोनों कार्ड जब साथ में देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहता है, और किसी का दबाव यानी कि किसी के एहसानों तले दबना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो आपके पार्टनर किसी के एहसान तले दब रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है। तो करंटली वो यही सोच रहे हैं। आपके अलावा भी बहुत कुछ जीवन में है जो उनको डील करना पड़ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं आपके प्रति उनके इंटेंशंस क्या है। यूनिवर्स बताएं कि इनके इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर को लेके। इंटेंशंस करना क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में, इंटेंशंस बताइए। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, करना क्या चाहते हैं, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बिल्कुल क्लियर मैसेज मिले हैं गाइस आपको। यहाँ पे कोई एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, और यहाँ पे कैप्रिकॉन स्पेशल है और टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉन की अगेन एनर्जी। गाइस ये करना क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपके साथ इनका कैसा हो, क्या करना चाहते हैं, इनके इंटेंशंस बता रही हूँ। वो इंटेंशंस क्या है फिलहाल गाइज, इनकी इंटेंशंस ये है कि आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस है कि आपको जो बात ये नहीं कह पा रहे आपको समझाना चाहते हैं कि मैं किस तरह गार्डेड हूँ, यानी कि मेरा एक्शन नहीं लेने का क्या मतलब है, क्या पर्पज है, मैं क्यों आपके प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उसका क्या कारण है, आपसे नो कॉन्टेक्ट में है तो क्यों नहीं है, ये सब बातें आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ एक फैमिली देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके साथ इंटेंशंस क्या है गाइज, इनकी इंटेंशंस ये है कि आपके साथ एक परिवार हो, एक स्टेबल लाइफ आपके साथ देखते हैं। ये कार्ड हमें बताते हैं कि एक स्टेबल लाइफ आपके साथ देखते हैं जिसमें बाल बच्चे वगैरह सब हो, ऐसी लाइफ ये आपके साथ देखते हैं, और आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो बात आपको नहीं कह पा रहे वो कहना चाहते हैं। यहाँ पे दो कार्ड ये बताते हैं। थर्ड कार्ड हमारे डेथ का कार्ड है, जो कि क्या बताता है गाइज, डेथ कार्ड ये बताता है कि किसी में कोई ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो कि उनकी सोच में बदलाव आ रहा है। कहीं कहीं ना कहीं पार्टनर चाहते हैं कि जो किसी एक चीज़ को, जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी दिख रही थी, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है गाइज, आप अपनी सिचुएशन अपने आप समझें कि कौन है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी, फैमिली है या कोई मेंबर है, कोई कोई पर्सन है, ये आप जानते हैं ठीक से, लेकिन वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। डेफिनेटली उनके मन में ये विचार बिल्कुल पक्के हो चुके हैं कि अब वो थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे डेफिनेटली, और एक नई शुरुआत आपके अंदर आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक नई शुरुआत यानी कि इनिशिएट आपके साथ अब करना चाहते हैं, वो नई शुरुआत आपके साथ हो ये चाहते हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि उन्होंने आपको पाने के लिए अपने आप को बिल्कुल चेंज किया है। पहले की एनर्जी शायद इनकी बहुत इन एंड आउट की रही होगी, लेकिन अब ये आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल लाइफ देखते हैं, जैसे कि टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। तो एक कार्ड ये बताता है कि आपके साथ एक ऐसी लाइफ, हैप्पी लाइफ चाहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल लिया इन्होंने। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ एक नया जीवन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो और बहुत ज़्यादा खुशी वाला हो, इससे अपने आप को बहुत चेंज कर चुके हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है गाइज, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि एक एक आपके साथ नए एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। पेज की एनर्जी गाइज बहुत इनिशिएट होगा, यानी कि जो भी अभी 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 तक जो भी कुछ रिलेशनशिप में हुआ है उसमें एक न्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब एक्शन इनके बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। ये सोचते हैं कि थोड़े से में बहुत आप समझ जाएं तो बहुत अच्छा है। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको ये कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन या इनके इरादे हैं कि आपको थोड़ा सा समझा बुझा के इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, यानी कि जो ये नहीं कह पा रहे भी पूरी बात फिर भी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे, थोड़ा ही सही लेकिन थोड़े में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इनकी सिचुएशन क्या है, इनको समझो और एक स्टेप आगे बढ़ो, यानी कि उन पे विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट करें, ये आपको कहना चाहते हैं। ये नए स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं जो कि एक स्टेबल लाइफ आपको देगा, यानी कि बाद में जाके आप ये सब कुछ बताएंगे आपको, एक स्टेबल कमिटमेंट भी देंगे, मैरिज होगी, एंगेजमेंट होगी, जो भी ऑफर देंगे, लेकिन फिलहाल इनका जो एक्शन है वो बहुत ही थोड़ा सा छोटा सा होगा। ओके गाइज, यहाँ पे ये इंटेंशन इनकी है कि आपको अभी कुछ ना कुछ करके मना लिया जाए, ये इनके इंटेंशन है। आप देख लेते हैं इनके एक्शन भी, देख लेते हैं क्या होंगे नियरेस्ट फ्यूचर में, यानी कि 1 वीक तक इनके एक्शन क्या होंगे हम देख लेते हैं, उसके बाद मैसेजेस देखेंगे। यूनिवर्स हमें बताइए इनके एक्शन, रिव्यूअर के पार्टनर के एक्शन क्या होंगे, क्या इनको कुछ बोलेंगे, क्या एक्शन होंगे, कॉल मैसेज आएगा या नहीं आएगा। द हैंगमैन, ओके गाइस, जब भी एक्शन की बात करते हैं तो जरूर हैंगमैन आ जाता है। चलिए देखते हैं और क्या।
गाइज मैंने अभी कॉल या मैसेज की बात की थी, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट जजमेंट, सॉरी। तो गाइज यहाँ अगेन किसकी एनर्जी है, यहाँ पे पाइसिस को ही हो सकता है, एरिस भी हो, सेजिटेरियस हो सकता है और लिब्रा भी हो सकता है। गाइज यहाँ पे तीनों कार्ड एक्शन के हैं। गाइज अब मैं बताती हूँ आपको क्या है, ये बहुत ज़्यादा अभी कुछ दिनों में क्या करेंगे, 1 वीक तक की एनर्जी बता रही हूँ मैं। गाइज इनके एक्शन क्या होंगे, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करें, क्योंकि इनको रियलाइज हो गया है कि आपके साथ ही इनका जीवन है, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि ये चाहकर भी वो आगे बढ़ेगा। इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में कैसे ना जैसे आएंगी आएंगी, घूम फिर के आपके पास आना चाहते हैं, ये इनको भी पता है। अगर आपसे नाराजगी है, आप गुस्सा है, तो फिर भी आप भी घूम फिर के इनके पास आएंगे, ये इनको पता है। ये इनको बात रियलाइज हो गई कि आपका इनके भाग्य में होना लिखा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक पार्ट आपका है इनकी लाइफ में जो कि आपको पूरा करना है, वो ये जानते हैं। ये हैंग पड़े हैं, यानी कि गाइज यहाँ पे कोई एक्शन के मूड में नहीं है, लेकिन उनको पता है, ये रियलाइज हो गया है कि आपसे इनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इनकी लाइफ में कुछ ना कितने दिनों के लिए हैं, कैसे भी हैं, लेकिन इनकी लाइफ में हैं, ये बात ये समझते हैं और इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोच विचार करना, हैंगमैन का कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड होता है गाइज, ये हैंग तो हैं, ये पॉज तो लिया हुआ है, इन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप वो पार्टनर हैं जो कि इनकी लाइफ में किसी ना किसी तरह आएंगे ही आएंगे, इसलिए सोच विचार करके बाहर निकलेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपने अपनी एनर्जी वापस लिया, तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि 2 या 3 डेज में, या फिर 7 डेज के लिए बोला है मैंने, 7 डेज में आपको कॉल या मैसेज जरूर आएगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आपसे अगर रीडिंग मैच करती है तो भी मुझे आप अच्छा लगता है कि आपसे जितना भी मैं बता पाती हूँ इनके जरिए, अगर आपको थोड़ा भी हेल्प उससे मिलती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो गाइज यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट करेंगे डेफिनेटली, ये जो ये कार्ड हमें बताता है कि आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो सही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आपको और भी कहेंगी, ये अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में भी आपसे बहुत ज़्यादा डीपली बात करेंगी, मुझे यहाँ पे ये लगता है। चलिए अब इनके मैसेज देख लेते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वेट अ मिनट गाइस, ओके देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। बहुत सारे हैं गाइस मैसेज, तो चलिए देखते हैं, ऐसे करके निकाल लेते हैं। ओके चलिए, हमने निकाल लिए। देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ये और ज्यादा हैंग नहीं होना चाहते गाइज, ये तो डेफिनेटली पक्का है। यू आर प्रेशियस फॉर मी, तो ये कह रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत बहुमूल्य चीज हैं। ओके व्हेन वी आर टुगेदर नथिंग इज इम्पॉसिबल, उनको लगता है कि आप उनके साथ होंगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रीडिंग में भी मैंने बोला था कि जब आप उनके साथ होंगे तो उनको कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं लगती, एक पॉजिटिविटी उनके जीवन में रहती है आपके होने से। तुम सबसे अलग हो, प्लीज हग मी, ओके तो आपको गले लगाना चाहते हैं, अंडरस्टैंड मी, जैसे कि मैंने कहा इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये कहते हैं कि अंडरस्टैंड मी, फॉरगिव मी। तो इनके एक्शन नहीं देख के आपको लग रहा होगा ये चीट कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे फॉरगिव कर रहे हैं, किसी बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, तो ये चाहते हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि आप दूसरे एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और देखते हैं, मुझे तुम हीरोइन की तरह लगती हो, वाओ। तो लड़का लड़की कोई भी हो, आप हीरो हीरोइन हो सकते हैं इनके लिए। चलो तुमको लेकर चलें हम उस फिजाओं में, तो गाइज ये सॉन्ग है, चलो तुमको लेकर चलें। गाइज मेरी आवाज़ मत देखिएगा, आप सॉन्ग देखिए। ओके डियर, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए दुनिया में, तो डियर कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि आपसे बढ़ के कोई नहीं है। एक्वेरियस प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। यू आर द बेस्ट, ओके ट्रस्ट मी, तुम बार बार कार्ड आ रहा है गाइज, ये आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, और ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, इन पर ट्रस्ट कीजिए। ड्रीम्स अबाउट यू, जैसा कि मैंने कहा, ये आपको नींदों में रातों में हमेशा आपको ड्रीम करते होंगे। आई विल सॉल्व सम इश्यूज एंड देन कम टू यू, गाइज यहाँ पे सारे कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जैसे कि मैंने कहा इनके और भी इश्यूज हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था हमारे पास, वो इस बात को क्लियर कर रहा है कि इनके पास और भी काम है आपके अलावा जिनको वो सॉल्व करना चाहते हैं। यू ऑलवेज इन माई थॉट्स, आई कैन फील इट, वो कहते हैं कि मैं आप हमेशा मेरे उसमें रहते हो थॉट्स में, और मैं आपको फील भी करता हूँ, डेफिनेटली आपको कोई टेलीपैथिकली ये कनेक्ट होंगे आपसे, और इसीलिए आपको इनकी फीलिंग्स मालूम चल जाती होगी।
आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आप जैसे हैं इनको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार फील होता है आपके प्रति, गॉड ब्लेस यू। तो कह रहे हैं कि आप जहाँ भी हो आपको गॉड ब्लेस यू, यानी कि आपकी भगवान रक्षा करे। तो ये रीडिंग थी गाइज, आपको इसमें कुछ भी मैच होता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।